में जाके करे, पंजाब में ना करे, पंजाब को बख्श दे, लेकिन वो अलग विषय है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी एक एक बात का जवाब, जो नफरत करे वो योगी कैसा, जो नफरत करे वो योगी कैसा, राहुल गांधी ये बात कहते। जवाब जवाब जवाब, ठीक है ना ना अमीश जी, नहीं अमीश जी अभी मैं बोल रही थी, मेरी 10 सेकंड बात पूरी कर लीजिए। मैडम मैडम मैडम, इतना विकास किया होता तो किराए के विज्ञापन थोड़े लाने देते। ठीक है ठीक है, किराए के विज्ञापन, किराए की सड़कें, ठीक है मैडम, आपने अपनी बात को रखा। सुधांशु जी जवाब, सुधांशु 40 सेकंड, मेरे साथ दो मेहमान और हैं, इंतजार करें, तीन मेहमान और हैं जो इंतजार करें। सुधांशु जी जवाब, जो नफरत करे वो योगी कैसा। देखिए अभी अभी आपने जब सुप्रिया जी से पूछा कि हमारी नींव इनके साथ हिल रही सरकार किसकी आ रही है, तो देखिए कांग्रेस की स्थिति तो इसके ऊपर वो जो पुराना गीत था ना कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, तो कोई बात नहीं। या जिसे उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की कहावत है, उत्तर प्रदेश के लोग समझते होंगे, आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गाय मल्हार, तो जिस ये भाई जिसकी झोपड़ी में आग लग रही मल्हार गा रहे, कोई समस्या नहीं। वैसे तो मुझे लगता है कि सुप्रिया जी की बातों का मुझे जवाब देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कारण यह है, अरे भाई आपने मेरे टर्न पे बोले सुप्रिया जी, मुझे लगता है कि जवाब देना ही नहीं चाहिए। कारण क्या है, सब तो सतही बातें हैं ना, उत्तर भारत की बातें सतही होती हैं, गंभीर बातें केरल में जाकर होती हैं, जहां से राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश छोड़कर केरल में जाकर वहां चुनाव लड़े हैं। गंभीर बात यह होती है कि 25,000 आज कोविड के मरीज आ रहे हैं, जिसमें 15,000 से ज्यादा अकेले केरल से हैं, मगर किसी को उसके ऊपर चिंता नहीं है। सबसे ज्यादा केरल और महाराष्ट्र से आ रहे हैं इस समय कोविड के केसेस। खैर चलिए उस बात को भी छोड़ देते हैं, सतही और गंभीर बात को भी छोड़ देते हैं, अब आ जाते हैं कि नफरत की बात पे। हाँ बिल्कुल सही बात है, नफरत किससे किसको होनी चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी 3 दिन पहले हमने 9/11 के 20 साल पूरे किए हैं। मैं चुनौती से कहता हूं, कोई अमेरिका का चैनल बताइए और कोई वहां का पॉलिटिकल पार्टी बताइए जिसने उसके मुख्य आरोपी खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा जैसे लोगों के पक्ष में कोई बयान दिया हो, टीवी पे आकर डिबेट की हो। और यहां उसी 2001 में भारत की संसद पे हमला हुआ था, और भाजपा छोड़ के कोई ऐसा दल बता दीजिए जिसने अफजल गुरु और याकूब मेनन जैसे लोगों के समर्थन में बयान ना दिया हो। बस यही अंतर है, किसको किससे नफरत है, किसको किससे अदावत है, किसको किससे मोहब्बत है, सबको दिख जाता है। जो लग रहा है ना कि दिल पे बुलडोजर चल रहा है, मैं बता रहा हूं कौन सा बुलडोजर चल रहा है जो अखिलेश यादव जी बोले। अरे भाई आजम खान के घर पे बुलडोजर चल गया है, मुख्तार अंसारी के घर पे बुलडोजर चल गया, जो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में पंजाब में महफूज मुकाम पे जलवा अफरोज थे क्योंकि उनकी तबीयत नाशाज थी। अब भारत अब जब आ गए उत्तर प्रदेश में, तब उनके लिए समस्या उत्पन्न होनी शुरू हुई है। अतीक अहमद के यहाँ बुलडोजर चल रहा है, तो शायद उनके प्रति बहुत मोहब्बत होगी राहुल गांधी जी के मन में, तो उनको इसमें नफरत नजर आ रही होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों विपक्षी पार्टियां जो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, अनुराग भदौरिया की बारी है अनुराग जी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि तीनों पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ, बिल्कुल आपको मैं मौका दूंगा, लेकिन अनुराग भदौरिया पे बड़ी टिप्पणी करी है, अखिलेश जी पे बड़ी टिप्पणी करी है, अनुराग से जवाब लेना, मैं आपको मौका दूंगा सुप्रिया जी, आप भी मजबूरी को समझिए, अखिलेश जी की पार्टी के नुमाइंदे यहां बैठे हुए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देखिए, चाहे अखिलेश यादव साहब की यानी समाजवादी पार्टी हो, चाहे ओबीसी साहब की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जो कि गुंडागर्दी के भूमाफिया के प्रायवाची थे, इन सब से कुछ कुछ लिंक है। एक पार्टी उनके परिवार को साथ लेके चल रही है, दूसरी पार्टी अतीक अहमद को और मुख्तार अंसारी को दोनों को टिकट देना चाहती है, तीसरी पार्टी मुख्तार अंसारी को महफूज रखे हुए थी पंजाब के अंदर यानी कांग्रेस पार्टी, और चिट्ठी बकायदा लिखी गई थी और यह बात सार्वजनिक पटल पे है। यानी कुल मिलाकर आप माफियाओं के साथ खड़े होंगे, और आपको लगता है अनुराग भदौरिया जनता जनार्दन इस पर रिएक्ट नहीं करेगी, बोलिए। देखिए माफियाओं के साथ तो भारतीय जनता पार्टी, अब मैं बोल लूं, माफियाओं के साथ अगर कोई खड़ी है और माफिया पार्टी और गुंडा पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के ऊपर में उत्तर प्रदेश पे संगीन मुकदमे हैं, डिप्टी सीएम पे संगीन मुकदमे हैं, 114 उनके विधायक है जिसपे संगीन मुकदमे, और अपनी कलम से अपने मुकदमे हटा रहे हैं भाई, इनके सांसद इनके मुख्यमंत्री, इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है क्या? तो क्यों नहीं रिजाइन दे देते भाई, अपराधी तो खुद ही हो आप, गुंडागर्दी तो खुद ही करो। उत्तर प्रदेश के अंदर में गुंडा क्यों यहां अपराध बढ़ा है? अपराध इसलिए बढ़ा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराधियों के यहां 20,000 अपराधी
साथियों की उन्होंने केस माफ कर दिए भाई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के, तो क्यों नहीं यहाँ दुशासन और दुर्योधन घूमेंगे महिलाओं पर अत्याचार करने के चीरहरण के लिए? क्यों नहीं यहाँ पे भैया जहरीली शराब माफिया यहाँ पे क्यों नहीं पैदा होंगे? क्यों, उन्हें तो पता है हमारे तो यहाँ पे केस माफ हो ही जाएंगे, चूंकि ये तो मार्केटिंग इवेंट की कंपनी है, इसलिए चोरी डकैती हत्या लूट मार बलात्कार अपहरण उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ा है। उत्तर प्रदेश महिलाओं के अपराध में नंबर वन, बेरोजगारी में नंबर वन, चोरी डकैती हत्या में नंबर वन, कुपोषण में नंबर वन, तो उत्तर प्रदेश तो नंबर वन के रिकॉर्ड तोड़ते चला जा रहा है। और मैं सुधांशु जी से यही कहूंगा, सुधांशु जी जरा कान में तेल डाल के सुन लीजिएगा, यो तो तय कहां तो तय था कि चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मैस्टर नहीं है शहर के लिए, वो मुतमईन है कि ये पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। ठीक है, आपने तो इतने लंबे लंबे वादे, अरे आज तो काफी अच्छा, नहीं, मैं काफी अच्छा बोल दिया अनुराग जी, आपने लेकिन लेकिन वो चिराग की आप बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पांच सेकंड अरे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में खड़े होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, वहां से 100 किलोमीटर दूर में बच्चों की मौतें हो गई है, 100 बच्चों की मौत हो गई जिनकी माँ की गोद सूनी अच्छा, अभी अभी आपने अभी आपने मुख्तार अंसारी के क्या हो सकती है मुख्तार अंसारी के नाम पे जो कसीदे पढ़ दिए, एक सेकंड सर मुख्तार अंसारी गुंडा है कि नहीं है आप बताइए? महंगाई बेरोजगारी, एक सेकंड, ये क्या बात है, कमाल है भाई, एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए मुख्तार अंसारी गुंडा है कि नहीं है? 5 सेकंड में जवाब दीजिएगा अनुराग गोदरिया, बाहुबली है कि नहीं है मुख्तार अंसारी? जवाब दे रहा हूं, मुख्तार अंसारी ज्यादा डेंजरस है योगी आदित्यनाथ? बात ही नहीं सुने, अरे सुन तो ली, अरे सुन मैं बोल लूं? हाँ बोलिए आपकी बात। इस देश के अंदर में कानून काम करता है ना? कानून काम करता है, आपकी राय क्या है? कानून संविधान पे यकीन नहीं आपको? कानून काम करता है, आपकी राय क्या है? मैं जानना चाह रहा हूँ मुख्तार अंसारी के बारे में, अतीक अहमद के बारे में आपकी राय क्या है? अगर कोई व्यक्ति मुख्तार अंसारी के बारे में, अतीक अहमद के बारे में आपकी राय क्या है? इन माफियाओं के बारे में आपकी राय क्या है? मैं तो कहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे भी आपराधिक मुकदमे हैं, तो क्या कानून है उनको सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए?